नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन का कन्या राशि वाले जातकों पर कैसा रहेगा प्रभाव। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव 24 जनवरी 2020 को धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में प्रवेश के साथ ही शनिदेव की ढैया कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर से उतर जाएगी। और शनिदेव की ढैया उतरते ही, यहाँ मित्रों मैं आपको बता दूँ, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2020 से 2022 बड़ा गजब रहने वाला है। जी हाँ, 24 जनवरी 2020 को शनिदेव कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों के पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और परिणाम स्वरूप कन्या राशि व कन्या लग्न वाले जातकों को आकस्मिक धन लाभ के बड़े गजब योग देखने को मिलेंगे। आकस्मिक लाभ के साथ साथ ही कन्या राशि वाले जातकों की मेमोरी बड़ी शार्प रहेगी। वह पेट की किसी बीमारी से काफ़ी समय से कर रहे थे आप समस्याओं का सामना, तो उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। संतान पक्षीय शुभ समाचार भी आपको इस समय में सुनने को अवश्य मिलेंगे। यदि कन्या राशि के आप एक विद्यार्थी हैं तो मित्रों मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2020 से 2022 के समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाएं। जी हाँ, कन्या राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह वह समय रहेगा जो आपको एक उच्च स्तर के ऊपर पहुँचा सकता है, इसलिए 2020 से 2022 के समय का परिपूर्णता से सदुपयोग करें। 24 जनवरी पश्चात कन्या राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य में पुष्टता देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है तो उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। कर्ज से निजात मिलने के साथ साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चला हुआ है तो उसमें भी देखने को मिलेंगे आपको पक्षकारी परिणाम। साथ ही कन्या राशि के वे लोग जो जॉब से संबंधित पिछले काफी समय से कर रहे थे परेशानियों का सामना, उन्हें भी मिलने जा रही है निजात। जी हाँ, कन्या राशि वाले जातकों का 24 जनवरी 2020 के बाद प्रमोशन देखने को मिल सकता है या फिर पिछले काफी समय से आपके बॉस या आपके कलीग से देखने को मिल रही थी आपको समस्याएं, उनसे आपको 24 जनवरी के पश्चात 100% देखने को मिलेगी निजात। 24 जनवरी पश्चात दाम्पत्य योग में मधुरता देखने को मिलेगी व दैनिक रोजगार में देखने को मिलेगी वृद्धि। कन्या राशि के अविवाहित कन्या व बालकों को देखने को मिलेंगे विवाह के श्रेष्ठ प्रपोजल। साथ ही कन्या राशि के वे लोग जो डिवोर्स इत्यादि के केस से हो रहे थे परेशान, उन्हें भी मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि 24 जनवरी 2020 के पश्चात बैठकर सुलह करें, अवश्य देखने को मिलेंगे 100% पक्षकारी परिणाम। 24 जनवरी पश्चात यदि कन्या राशि के जातक कोई पार्टनरशिप में भी कार्य करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। आय में 100% वृद्धि देखने को मिलेगी व आय के नए स्रोत निकलकर सामने आएंगे। पिछले काफी समय से यदि बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता देखने को नहीं मिल रही थी तो 24 जनवरी के पश्चात देखने को मिलेगी संबंधों में मधुरता। साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं, 2020 से 2022 के मध्य में आपकी कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण हो सकती है जिसका काफी समय से आप कर रहे थे इंतजार। 24 जनवरी पश्चात कन्या राशि वाले जातकों को कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। यशमान प्रतिष्ठा के साथ साथ ही धन संबंधी समस्याओं से भी मिलने जा रही है कन्या राशि वाले जातकों को 24 जनवरी के पश्चात निजात। अभी मित्रों यहाँ मैं आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूँगा कि यदि आपके कुंडली में शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा है तो बताया गया फलादेश आपको 2020 से 2022 तक 100% सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। किंतु यदि आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के होकर बैठे हैं, अस्त अवस्था में बैठे हैं या 6, 8, 12 में किसी स्थान के ऊपर जाकर स्थित हो गए हैं तो बताए गए फलादेश के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही यदि आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव का प्लेसमेंट कैसा है तो आप हमारी संस्था ज्योतिष ज्ञान द्वारा अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय शनिदेव।